Chocolates. Simply chocolicious. सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजानन राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अयोध्या का वातावरण आनंदमय था। समस्त प्रजा अपने राजा श्री राम तथा महारानी सीता को अपना आदर्श मानते थे। श्री राम सीता को भी अपनी प्रजा से अत्यंत स्नेह था, किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक धोबी के माता सीता के चरित्र को कलंकित करने से समस्त अयोध्यावासी स्तब्ध हो गए। प्रजा में उठे विवादों का आदर करते हुए श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया तथा लक्ष्मण को ये आदेश दिया कि वो गर्भवती सीता को ले जाकर वन में छोड़ आए। वन में अकेली सीता को देखकर महर्षि वाल्मीकि ने उनसे आश्रम चलने का आग्रह किया। वन देवी बनकर रानी सीता आश्रम में अपना जीवन बिताने लगी।
सत्य सनातन धर्म परायण श्री रघुपति जी का अवतार। दर्शन श्रवण से मन हो पावन, दशरथ राम कथा का सार। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सनातन धर्म परायण श्री रघुपति जी का अवतार। दर्शन श्रवण से मन हो पावन, दशरथ राम कथा का सार। शबरी के बेर को गंगा जल सम प्रभु जी ग्रहण कर लेते, अंजनी सुत हनुमान को प्रभु अविनाशी है कर देते। चोटी की लहरी के पीठ पे अपनी अंगुली चाप दे दे, मुझे हैं बनाते। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सत्य सनातन धर्म परायण श्री रघुपति जी का अवतार। दर्शन श्रवण से मन हो पावन, दशरथ राम कथा का सार। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आहा गुरुदेव, ये मधुर काव्य सुनकर हम धन्य हो गए। सत्य है, भक्ति भाव से परिपूर्ण ये काव्य प्रकृति को भी अपने वश में कर लेता है, ये अभिनंदनीय है। गुरुवर, इस काव्य का माधुर्य एक दिन समस्त संसार चखेगा। ये मधुर रस मेरे काव्य में नहीं है, ये रस तो रम्य रामायण गाथा में है। लवकुश, क्या तुम्हें ज्ञान है कि हम नित्य रामायण का पारायण क्यों कर रहे हैं? हाँ गुरुजी, रामायण जीवन की गति को संयमित करके
धर्म का सम्मान करती है और मनुष्य की पशुत्व के मार्ग पर गिरने से रक्षा करती है। गुरुदेव, रामायण में श्री राम का चरित्र इतना पावन है जो मनुष्य को भगवान समान बना देता है। वन देवी, क्या मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को इस वन की रक्षा का दायित्व सौंप दूं? गुरुदेव, मैं तो केवल इनकी माता हूँ, किंतु आप तो इनके मार्गदर्शक हैं, जैसा आप उचित समझें। लवकुश, मैं तुम दोनों को इस वन की रक्षा का भार सौंपता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। कल प्रातः काल मैं तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। लवकुश, ये अग्न्यास्त्र है, ये वायुअस्त्र है, ये वरुणास्त्र है और ये इंद्रास्त्र है। इन सभी अस्त्रों में दिव्य शक्तियां समाई हुई हैं। इनमें से किसी एक अस्त्र का प्रयोग करो। शीघ्र इस अग्निअस्त्र के प्रभाव को निरस्त करो, अन्यथा इस अस्त्र की अग्नि पूरे वन को जलाकर भस्म कर देगी। ये पंचभूतास्त्र है, सबसे शक्तिशाली ध्रुवास्त्र। सदैव ध्यान रहे, अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर ही इसका उपयोग करना, अन्यथा ये तुम्हारा अनिष्ट भी कर सकता है। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री के लिए नहीं, खाने के लिए पकड़ा है। बचाओ, मेरे प्राण संकट में है, मेरी रक्षा करो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। ऐसा क्यों किया? मेरा दोष क्या है जो तुमने मुझे बंदी बनाया? कौन हो तुम? पक्षीराज, ये लवकुश है, इस नैमिषारण्य के रक्षक, और हम इनके मित्र हैं। तुम चाहे जो भी हो, मुझे क्यों बंदी बनाया? तुमने इस वन के नियम को तो
वो कैसे? ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, यहाँ आखेट करना मना है। हम यहाँ प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। क्षमा करें, इस वन के नियमों से मैं अपरिचित था, इसी कारण मुझसे ये भूल हो गई। लो, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। चिंता ना करो पक्षीराज, ये घाव शीघ्र ही भर जाएगा। मित्रों, मैं जटायु वंशज हूँ, आपकी इस उदारता के लिए आभारी हूँ। क्या मैं आपकी मित्रता प्राप्त कर सकता हूँ? अवश्य मित्र। धन्यवाद, आज्ञा चाहूंगा। आप जब भी मेरा स्मरण करेंगे आपके सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। अवश्य, फिर मिलेंगे मित्र। ये खाने के लिए नहीं, खेलने के लिए। मत मारो, मैं कहता हूँ ठहरो। इसीलिए कहते हैं कि वानर के हाथ में नारियल व्यर्थ है। क्या कहा? ये हमारा अपमान है। नहीं, ये तुम्हारी अज्ञानता है। नारियल को किसी कड़े स्थान पर मार कर तोड़ सकते हैं, तब तुम्हें मीठा पानी तथा स्वादिष्ट कूदा खाने को मिलेगा। साथियों इधर आओ, अरे इधर आओ, ये देखो, ये कड़ी जगह है। हम इस पर नारियल तोड़ेंगे। अरे ऐसे नहीं, मुझे देखो कैसे तोड़ता हूँ। लव, तुमने ये राम नाम की पुकार सुनी? हाँ, अवश्य कोई संकट में है। ठहरो, इसे क्यों मार रहे हो तुम? हम इसे मार नहीं रहे हैं, हम तो नारियल तोड़ रहे हैं। तुम्हें पता है ऐसा करके तुम इसको कष्ट पहुंचा रहे हो? इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। नारियल को कड़े स्थान पर तोड़ना चाहिए, ये सलाह हमें इस कछुए ने ही दी थी। हमें उत्तम स्थान यही लगा। मैंने केवल नारियल तोड़ने की विधि बताई थी, ये नहीं कहा था कि इसे मेरी ही पीठ पर तोड़ो। ये तुमने उचित नहीं किया, अपनी सहायता करने वालों को ही कष्ट देना लज्जा की बात है। हमारी अज्ञानता के लिए हमें क्षमा करें। आओ देखो, नारियल को पहले इस प्रकार छीला जाता है, इसके पश्चात उसे ऐसे तोड़ा जाता है। लो, अब इसे खाओ। आपने मेरी रक्षा की है, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। समय आने पर ये ऋण अवश्य चुकाऊंगा। मिलजुल कर प्रेम से रहने में ही आनंद है, इसे कभी मत भूलना। इतने सारे कीड़े, वो भी स्वर्ण रंग के, इससे पहले कभी हमने इन्हें वन में नहीं देखा। ये कहाँ से आए होंगे? मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो।
माते लवकुश, इस विद्याधरी में आपका स्वागत है। ये कैसी माया है? ये माया नहीं, तुम्हारे अपने मन की सोच है। यदि ये हमारी सोच है तो फिर ये दोनों कौन है? ये दोनों तुम्हारे मन की वो इच्छा है जो आज प्रतिबिंब के रूप में तुम्हारे सामने है। क्या हम गा सकते हैं? क्या हमारे मन की इच्छा पूर्ण होगी? अवश्य, विधि का भी यही विधान है, इसीलिए तुम दोनों को यहाँ लाया गया है। हाँ? सूर्य के इस तेज को ग्रहण करो, तुम सभी कलाओं में निपुण हो जाओगे। रामायण दिव्य कथा मर्म सुनो रे, है पारायण महिमा जन्म सफल करो रे। रामायण दिव्य कथा मर्म सुनो रे, है पारायण महिमा जन्म सफल करो रे। राम राम श्री अयोध्या राज के दशरथ नृपति कौशल्य सुमित्रा कैकेयी पति, जल गई आयु है तपाई संतति, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते भूपति। श्री राम का जन्म भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई देखो रे, रामचरित भव्यता करस चथोरे। राम राम श्री राम 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 हरे राम राम। चमत्कार शिला हल्या बन गई, हो गई
अनुभव पाए। राम राम श्री राम 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 हरे राम राम। श्याम वर्ण राम प्रेम मूर्ति रघुवर मिलाने मंत्रण सिया स्वयंवर मुनि संकेत से फिर मुड़ी कहानी राम संग मिथिला चले मुनिवर ज्ञानी। श्री राम का चरित नर बन के नारायण आए धरा पर सृष्टि को पावन है करते धरा पर। राम राम श्री राम 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 हरे राम 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 श्री राम 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 हरे राम राम। आश्रमवासी इन यज्ञों द्वारा हमें शक्तिहीन करना चाहते हैं। यदि इनसे बचना चाहते हो तो एकजुट होकर इन पर आक्रमण करो। दर्शन तो हम सब ने कल ही कर लिया था। सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा था। क्यों भाइयों? हाँ, देखा था, देखा था। मेरा उपहास करते हो? कल की बात भूल जाओ। देखना चाहते हो मेरी शक्ति? हम अभी दिखाती हूँ। दिखाओ दिखाओ, हम भी तो देखे तुम कितनी शक्तिशाली हो। क्यों जाग गए ना? पता चला मैं क्या हूँ और क्या कर सकती हूँ? सच?
तुम तो अनेकों प्रकार की कलाएं जानती हो, चमत्कार है। क्या तुम मुझे ये कला सिखाओगी? इसे सीखना इतना आसान नहीं है। घमंड मत करो, इतना तो हम भी कर सकते हैं। ये तुम्हारे लिए अच्छा सबक है, अब आज के बाद अच्छा व्यवहार करना, समझे? लो इसे खाओ, शीघ्र ही ठीक हो जाओगे। मित्र, आज तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी है, धन्यवाद। आहा। प्रभु, अश्वमेध यज्ञ की सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, सभी अतिथियों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। उचित है भरत। प्रणाम। वन देवी, शुभमस्तु। श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण भेजा है, वहां जाकर मैं श्री रामचंद्र जी को रामायण भेंट करूंगा। प्रयत्न करूंगा कि लवकुश इस रामायण को उन्हें गाकर सुनाए। मैं अति प्रसन्न हूँ, मेरी आपसे एक विनती है महर्षि, इस राम कोटी को भी आप ले जाकर राजा राम को भेंट कर दीजिएगा। मैंने स्वयं अपने हाथों से इसमें श्री राम का नाम सहस्त्रों बार लिखा है। ये शुभ कार्य मैं अवश्य करूंगा। राज परिवार से लगते हैं, कितना तेज है इनकी मुख पर। हाँ? इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य कोई वीर योद्धा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम इसी राज्य के रहने वाले हैं। क्या तुम हमसे भयभीत हो रहे हो? हम तुम जैसे छोटे शरीर और उफ करके भागने वाले गिलहरियों के बारे में नहीं, उन दोनों वीर योद्धाओं के बारे में पूछ रहे हैं। हम भी वीर योद्धा हैं और ये हैं हमारे मित्र। इन्हें ध्यान से देखो, ये हूबहू राम लक्ष्मण के रूप है। वही राम लक्ष्मण जिन्हें वर्षों पूर्व महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम ले गए थे। हाँ हाँ, वही मुखमंडल, वही तेज, वही हाव भाव, तनिक भी अंतर नहीं। राजा रामचंद्र की जय। 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 इस रघुवंशी कौशल राज दशरथ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए महर्षि। कल्याण वस्तु। राजन, अयोध्या के राजाधिराज श्री रामचंद्र जी को ये रामायण में भेंट स्वरूप प्रदान करता हूं, इसे स्वीकार कीजिए। राजन,
सहस्त्रों बार श्री राम नाम से रचित ये राम कोटी है। इसे हमारे आश्रम की वन देवी ने स्वयं अपने हाथों से रचा है, इसे भी स्वीकार कीजिए। राजन। आज्ञा महर्षि। ये लवकुश हैं मेरे प्रिय शिष्य, मेरी आपसे ये विनती है आप कुछ क्षण निकालकर इनके मधुर स्वरों में रामायण काव्य अवश्य सुने। ये मेरी कथा सुनाएंगे? बालकों तुम हमारे विषय में क्या जानते हो? श्री राम दशरथात्मज प्रमेयम् सीतापदिम् रघुकुलान्वय रत्नदीपम् आचानुबाहुम् अरविन्द जनक जा स्वयंवर है, जनक पुर मनोहर है, गर्व दिखाया रावण ने, धनुष को तोड़ा रघुवर ने, शिव धनु भंग की गूंज उठी, शुभ विवाह की शोभा बढ़ी, शुभ तिथि शुभ घड़ी, श्री की हर के पाणि ग्रहण का सुंदर दर्शन। आनंद आनंद चारों दिशा, देवी सीता बनी है दुल्हनिया, प्रभु राम बने देखो है दुल्हा। आनंद आनंद चारों दिशा, चारों दिशा में फैला खुशियों का रंग, राज्याभिषेक का निर्णय हुआ, रानी कैकेयी ने उसको रोका, राम वनवास करे भरत ही हो राजा, पति से वर मांगा तीर लगा जैसा, दशरथ जी मूर्छित हुए जुन सकी, शीश झुकाए लेते विदाई, चलते अवध से राम रघुराई, चले सिया लक्ष्मण के संग, राम बन गए वनवासी, शोभा बढ़ गई बलकल की, मुड़ी कथा कुछ ऐसी, सीता रह गई उसे देखती, मन को न रोक सकी, मृग चाहिए है कहती,
ये कामना पूर्ण करे श्री राम है वन को चले अति चतुर बड़े मायावी वो हिरण बना मारे श्री राम कबाड़ उसे जैसे लगा वो दुष्ट बड़ा फिर जी लक्ष्मण 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 भवती भिक्षां देहि रावण वहां जा पहुंचा भिक्षुक सा बनके देने भिक्षा निकली है सीता जैसे पार की लक्ष्मण रेखा धरा सकी उठा लिया धरणी सुता का हरण किया श्री रघुनाथ की कथा श्रवण से ही मिटते पाप सदा प्यारे बालकों, तुमने अपने गीत द्वारा अति सुंदर ढंग से मेरे चरित्र का वर्णन किया है। मैं तुम्हारी भावनाओं की प्रशंसा करता हूँ। तुम्हारे माता पिता धन्य हैं। तुम्हारे मन की जो भी इच्छा हो कहो, मैं उन्हें पूर्ण करूँगा। महाराज, हम केवल एक बार सीता माता के दर्शन करना चाहते हैं। इससे अधिक हमें और कुछ नहीं चाहिए। हनुमान, अपने संरक्षण में लवकुश को अयोध्या नगरी के दर्शन कराओ। मेरे साथ आओ बालको। अयोध्या अति सुंदर नगरी है। यहाँ के राजमार्ग विशाल हैं। प्रजा शांति पूर्वक तथा आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। कृषि के लिए यहाँ की भूमि उपजाऊ है। देवों तथा प्रकृति की सदैव श्री राम पर कृपा रही है। ये किसका महल है जो इतना चमक रहा है? ये मैं नामक महान मूर्तिकार की कार्यशाला है। क्या हम इस कार्यशाला को देख सकते हैं? बालकों, तुम इसे क्यों देखना चाहते हो? गुरुदेव वाल्मीकि ने इस महान मूर्तिकार की प्रशंसा की थी, इसीलिए हम इनके दर्शन करना चाहते हैं। ये मूर्तिकार बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। मैं बाहर रुकता हूँ, तुम अंदर जाकर उनसे मिलाओ। उचित है। जय श्री राम। सुंदर, तुम्हें भीतर किसने आने दिया? बताओ। हम
राम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। वे मेरी एकाग्रता भंग मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। क्षमा कीजिए, मन में एक शंका है, उसका समाधान कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। कृपया बताइए, ये अपूर्ण स्वर्ण प्रतिमा किसकी है? ये प्रतिमा सीता जी की है। राजा श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, इस प्रतिमा को यज्ञ में उनके साथ बिठाया जाएगा। जब माता सीता अयोध्या में ही है तो ये प्रतिमा किस लिए? नहीं, सीता जी यहाँ नहीं है। एक बुद्धिहीन धोबी ने माता सीता पर लांछन लगाया, उसे प्रजावाक्य समझकर श्री राम ने गर्भवती सीता को वनवास भेज दिया। उसके पश्चात कोई नहीं जानता कि सीता जी कहाँ है। अच्छा, तो ये सच्चाई है। अब समझ में आया, श्री राम हमें उत्तर दिए बिना ही वहाँ से क्यों चले गए। कितनी विचित्र बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र इतना कठोर है। चलो यहाँ से, ऐसे निर्दयी राजा के राज्य में हम एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। लवकुश, अयोध्या देखने में कैसी लगती है? क्या तुम्हें श्री राम के दर्शन हुए? तुम्हारी संगीत का प्रदर्शन कैसा रहा? माता सीता कुशल से तो है ना? ये कोई नहीं जानता कि माता सीता कहाँ है। अर्थात श्री राम निर्दयी हैं, उनके हृदय में दया भाव लेश मात्र भी नहीं। हम उनके बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। पर हमें ये तो बताओ कि वास्तव में हुआ क्या है। श्री राम ने माता सीता को त्याग कर उन्हें पुनः वनवास भेज दिया। यद्यपि उस समय माँ सीता गर्भवती थी, ये ज्ञात होते हुए भी कोई भी अयोध्या वासी उनकी सहायता के लिए नहीं आया। वे बिल्कुल असहाय हो गयी। हम ब्रह्मवशी राम की प्रशंसा करते थे, अब हमारा भ्रम टूट गया। आज के पश्चात हमारे जीवन में राम नाम का कोई महत्व नहीं होगा। लवकुश, इधर आओ। क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि श्री राम की आलोचना कर सको? व्यर्थ की बातें छोड़कर उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार करना सीखो। कुश, जाओ और गौरी माता की पूजा के लिए शतपत्र कमल ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा माते। लव, मित्रों के साथ व्यर्थ ही इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि तुम आश्रम की रक्षा के प्रति सचेत रहो। जैसी आज्ञा माते। Yeah.
सम्मान करो, मैं अयोध्या के महाराजा धीराज श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का अश्व हूँ। मुझे उससे क्या? मेरे विषय में यदि जानना चाहते हो तो इस सुनहरे पट्टे पर जो अंकित है उसे सुनो। कौशल्या पुत्र श्री राम अपने पिताश्री की तरह ही शब्दों के प्रति वचनबद्ध है। तुम्हारे ज्ञान के लिए तुम्हें बता दूं कि अश्वमेध यज्ञ के इस अश्व के संरक्षक श्री राम के अनुज शत्रुघ्न है। यदि तुम वीर योद्धा हो तो मुझे रोक लो, अन्यथा आत्मसमर्पण कर दो। इस घमंडी अश्व को पकड़ लो। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वहां है, जाओ उसे यहां ले आओ। जो आगे चलो रथ को आगे बढ़ाओ। क्या हुआ? किसी ने हमारे अश्व को बंदी बना लिया। हमारे अश्व को बंदी बनाने का दुस्साहस किसने किया? किसने किया? हमने किया। हमने किया। तुमने हमारे अश्व को क्यों पकड़ा? इस अश्व के मस्तक पर अंकित ललकार भरे शब्दों ने हमें आमंत्रित किया। अकेले तथा निशस्त्र बालकों से युद्ध करना मुझ जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। क्षमा मांगो और अश्व को छोड़ दो। ये अकेले नहीं है, हम भी इनके साथ हैं। तुम्हें और तुम्हारी सेना को परास्त करने के लिए मुझे किसी सैन्य बल की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ही समर्थ हूँ। यदि तुम में साहस है तो आओ मुझसे युद्ध करो। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आक्रमण!
गौरी माता की पूजन में ये सतपत्र कमल अपनी स्वेच्छा से अर्पित होने के लिए आए हैं। इन्हें स्वीकार कीजिए माते। हे सतपत्र कमल, आपकी उपस्थिति से इस पूजा की शोभा बढ़ गई है, मैं धन्य हूँ। माते माते, आपके पुत्र लव को एक राजा बंदी बनाकर अपने रथ पर ले जा रहा है। माते, पूजा को मध्य में छोड़ देने से अनर्थ होता है। एक माता के लिए अपने पुत्र से बढ़कर और कुछ मायने नहीं रखता। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है माते, वो चाहे कितना भी वीर योद्धा क्यों ना हो, आपके आशीर्वाद से मैं उसे अवश्य परास्त करूंगा। आप अपनी पूजा को निर्विघ्न समाप्त कीजिए, मैं अपने भाई को लेकर आता हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र, विजय भव। विजय, चलो। सुनो, शीघ्र अति शीघ्र उस रथ को ढूंढो जिसमें हमारे मित्र लव को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है। वो रथ एक शिला पर्वत की ओर जा रहा है, साथ में सेनाएं भी है। प्रकृति के प्रभाव के कारण नहीं हो रहा, इसमें अवश्य शत्रु की कोई चाल है। अश्व को छोड़ दो, और जिस प्रकार तुमने अपनी रक्षा हेतु शीश झुकाया है उसी मुद्रा में झुके हुए वापस चले जाओ, नहीं तो जीवन में फिर कभी ये शीश नहीं उठा सकोगे। बार बार बंद करो नादान बालक। हाँ, यदि तुम मुझसे विनती करोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ भी दूंगा, किंतु इससे अधिक मांगोगे तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। एक बालक पर विजय प्राप्त करने पर इतना मत इतराओ, मुझसे युद्ध करो। वीरता क्या होती है इसका पता तुम्हें स्वयं लग जाएगा। अब तक मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा था कि तुम एक बालक हो, ऋषि पुत्र हो, किंतु अब तुम अपनी सीमा लांग रहे हो, इसकी शिक्षा तुम्हें अवश्य मिलेगी। देखते हैं कौन किसको शिक्षा देता है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। श्री रामचंद्र की जय। अपने आप को वीर योद्धा कहते हो, क्या हुआ तुम्हारा बाण लक्ष्य चूक गया? ये तुम्हारा भ्रम है, मेरा बाण लक्ष्य से नहीं चूका, बल्कि इसने तुम्हारे राजा को सीमा क्षेत्र में बांध दिया है। Thank you.
घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल मूर्छित हुआ है। तुम सब लोग कब आए? वो दुष्ट राजा कहाँ है? इधर देखो मित्र, उस दुष्ट राजा के साथ ये अश्व भी हमारा बंदी है। भ्राता, क्या तुम जानते हो कि ये अश्व किसका है? हाँ, ये श्री रामचंद्र का अश्व है। भ्राता, हम इस अश्व को किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ेंगे। जब स्वयं राजा राम इसे छुड़ाने के लिए आएंगे, तब हम उनसे पूछेंगे कि तुम कैसे राजा हो जिसने माता सीता जैसी अर्धांगिनी का त्याग करके उसे वन वन में भटकने के लिए छोड़ दिया। जैसी तुम्हारी इच्छा, अब चलो यहाँ से, माता तुम्हारे लिए चिंतित है। सुनो, तुम सब लोग मुझे वचन दो कि जो कुछ भी यहाँ घटित हुआ उसे तुम माता श्री, गुरुदेव तथा आश्रम वासियों को नहीं बताओगे, क्योंकि वो सब राम भक्त है, उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। हम वचन देते हैं, हम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। राम नाम महिमा की कथा सुनाते हैं, राम रूप मन में हनुमान दिखाते हैं। राम नाम महिमा की कथा सुनाते हैं, राम रूप मन में हनुमान दिखाते हैं। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम। श्री राम के चरणों बारंबार नमन करते, सुग्रीव के दुख की व्यथा श्री राम से हनुमत कहते। अति बलशाली बाली का वज राम जी है, उस क्षण करते चारों ओर सीता की खोज में वानर वीर निकल पड़ते। ढूंढते पहुँचे बजरंगी, लंका में थी जानकी। पहले करते माँ को प्रणाम, फिर देते मुंदरी हनुमान। राक्षस सारे हनुमत पूछ में आग लगा देते, फिर हनुमान जी बिजली बनकर लंका चला दे। अंतहीन सागर के ऊपर वानर से तू बना दे, छोटी गिलहरी जैसे जीव भी योगदान है दे दे। आरंभम प्रारंभम संग्रामम संरंभम, राम रावण का युद्ध हुआ। मेघनाद की दिव्य शक्ति से मूर्छित हुए गिरे लक्ष्मण। प्राणों से प्यारे भाई को देख राम रोते, शोक में डूबे माँ की भांति रोए पितृ जैसे। गगन सितारे डरते सारे हनुमत लाते औषधि पर्वत, संजीवनी लाए लखन जिलाए बने राम सुन प्यारे हनुमत। राम नाम महिमा
कुंभकर्ण संघार मेघनाद संघार सुन के रावण चकित हुआ। राम उसे फिर मोक्ष देते बन तारण हारा। राम नाम महिमा की कथा सुनाते हैं, राम रूप मन में हनुमान दिखाते हैं। पावनी जानकी है पति ने मांगी अग्नि परीक्षा। राम ने सिया को उपहार दिया या नारी का अपमान किया। आग की जलती लपटों में सीता बन गई है समिधा। देव की ज्योति में सिद्ध हुई सी पवित्रता। धरती के ऊपर नील मेघ जैसे अंबर में उड़ा पुष्पक यान है। अस्त्र शस्त्र में निपुण शत्रुघ्न जैसे वीर योद्धा को परास्त करने वालों को सिर्फ सामान्य बालक समझना हमारी भूल है। लक्ष्मण, क्या हमें भ्राता राम को इस घटना से अवगत करा देना चाहिए? इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं वहां जाऊंगा तथा संध्या तक विजय प्राप्त करके लौट आऊंगा। तब तक इस यज्ञ की देखभाल करने का उत्तरदायित्व तुम्हारा होगा भ्राता। विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव। लगी है तो यह हरी घास पड़ी है, खा लो।
मैं राजा श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का अश्व हूँ। तुम चाहते हो मैं ये तुच्छ घास खाऊं? अश्व चाहे आम हो या राजा का, घास तो उसे खानी पड़ती है। चलो चलते हैं, भूख लगने पर ये हरी घास क्या सूखी घास भी खा लेगा। ये क्या हो रहा है, सभी मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है क्या? घबराओ नहीं, यदि हमारी सहायता की आवश्यकता पड़े तो पुकार लेना, हम तुरंत आ जाएंगे। देखा प्रभु, देखा इनका घमंड, इन्हें मेरी तनिक भी चिंता नहीं है, मैं इसके लिए इन्हें उचित शिक्षा दूंगा। बचाओ बचाओ, शेर आया है, शेर आया है। शेर कहाँ है शेर? शेर वेर कुछ भी नहीं, मैं तो हंसी कर रहा था, देखना चाहता था कि मेरे चिल्लाने पर तुम लोग यहाँ आते हो कि नहीं। हम सब तुम्हारे लिए चिंतित हो गए और तुम्हें हंसी सूझ रही है, यदि तुमने फिर ऐसा किया तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। देखा राजा कैसे चिढ़ गए, ये तो शुरुआत है, अभी आगे देखो मैं इन्हें कैसे सताता हूँ। बचाओ बचाओ, शेर मुझे खाने के लिए मेरी तरफ आ रहा है, मेरी रक्षा करो, मुझे आकर बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। फिर से तुमने खिलवाड़ किया, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इसके बाद यदि तुम चिल्लाए या रोए भी हम नहीं आएंगे। हे भगवान, ये तो सचमुच में शेर आ गया, अब क्या होगा प्रभु? हे नेमिचारण के वीरो, मेरी रक्षा करो, इस बार मैं हंसी नहीं कर रहा, सचमुच में शेर आया है, मेरा विश्वास करो, चाहे तो स्वयं आकर देखो, रक्षा करो रक्षा करो। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं श्री रामचंद्र जी के यज्ञ का अश्व हूँ, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। हाँ लव कुश, मेरी रक्षा करो। मुझे क्षमा करना मित्र, मैं समझा था कि यह अश्व हमारे वन का नहीं है, परंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है यह हमारा बंदी है। देखा देखा तुमने, यदि तनिक भी देरी हो जाती तो इस झूठ के कारण तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। मुझे क्षमा कर दो मित्र, अपनी करनी पर मुझे पश्चाताप है। जाओ उन बालकों से कहो कि हम उनसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा। हमें उनसे मिलने में कोई आपत्ति नहीं, इन दो पहाड़ियों के बीच में जो हरियाली है वहीं आकर हमसे मिलें।
बालकों, यज्ञ के इस अश्व को छोड़ दो और अपने आप को धर्ममूर्ति श्री राम के सुपुर्द कर दो, अन्यथा तुम्हें इसका परिणाम भोगना होगा। धर्म पक्ष की रक्षा हेतु किसी भी परिणाम का सामना क्यों न करना पड़े, हमें स्वीकार है। राजाज्ञा के विरुद्ध जाना ये कैसा धर्म है तुम्हारा? स्त्री का अपमान करने वाले राजा को हम अपना राजा नहीं मानते। ऐसी राजाज्ञा का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। हमें तुम पर दया आती है, इसलिए हम तुम्हारे भाई को तो छोड़ देंगे किंतु इस अश्व को नहीं। अभी तक मैंने इसलिए तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम बालक हो, ऋषि वाल्मीकि के शिष्य हो, किंतु तुम उदंड हो। मुझसे युद्ध करने का सोचकर तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह डींगे हाँक रहा था, क्या हुआ? देखो किस तरह भूत बनकर चुपचाप खड़ा है। बंद करो ये उदंडता, ये मेरी अंतिम चेतावनी है तुम्हें। बताओ अश्व को छोड़ोगे या नहीं? चाहे स्वयं राम भी क्यों ना आ जाएं, हम अश्व को नहीं छोड़ेंगे। वीर हो तो हमसे युद्ध करो और जीत के इसे ले जाओ। उन्होंने गरुड़ व्यू की रचना की है, हम सर्प व्यू बनाकर उनका सामना करेंगे।
तुमने यहाँ तुरंत आकर अपने वचन का पालन किया। धन्यवाद मित्र। धन्यवाद किस लिए? एक मित्र होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है। पुत्र राम, क्या तुम यज्ञ संपन्न किए बिना ही युद्ध के लिए प्रस्थान करोगे? हाँ माते, मैं विवश हूँ। जब लक्ष्मण जैसा वीर योद्धा उन बालकों से परास्त हो गया तो फिर किसी और को वहां भेजने से कुछ हल नहीं निकलेगा माते। उन ऋषि पुत्रों ने हमारे वीर योद्धाओं को परास्त कर दिया, ये कैसे संभव हुआ? अवश्य हमारी गृह स्थिति अच्छी नहीं है। कहीं मेरे साथ रघुवंशियों की मर्यादा, शौर्य और तेज समाप्त ना हो जाए। मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए माते। विजयी भव पुत्र। कृपा करके अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। आपका ये रौद्र रूप मुझे विचलित कर रहा है। मैं अपने महान साम्राज्य की प्रतिष्ठा को अपनी आंखों के सामने धूमिल होते कैसे देख सकता हूँ अंजनी पुत्र? प्रभु, क्या मैं आपका दूत बनकर उन बालकों के पास जा सकता हूँ? क्या तुम चाहते हो मैं उन बालकों के साथ समझौता करूँ? नहीं प्रभु, मैं समझौता कराने के लिए नहीं जा रहा। मैं तो उन्हें राम की महिमा समझाना चाहता हूँ। आखिरकार वो नादान बालक है। यदि तुम्हारे जाकर समझाने से वो मान जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु ये अंतिम प्रयास होगा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। जय श्री राम। राम 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 राम। हनुमान हनुमान इधर देखो। जय श्री राम। श्री राम से उनके ही राज्य में विद्रोह करने वाले कौन है वो लोग? हम हैं। तुम दोनों ने ऐसा करके गंभीर भूल की है। बालकों, अभी तक तुमने मेरा शांत रूप देखा है, क्रोधित रूप नहीं। इससे पहले कि मुझे क्रोध आ जाए उचित होगा कि तुम अपनी भूल स्वीकार कर लो, अन्यथा हम लंका के असुरों की तरह नहीं हैं, जो तुमसे भयभीत हो जाएं। जाओ और अपने राम को यहाँ भेजो। जय श्री राम। श्री राम। ओम शांति। हनुमान विमल यश भुवन गात्र हनुमान गगन गत भुवन शीर्ष हनुमान युग विजित ब्रह्म सूत्र हनुमान जय जय बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय 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 बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय जय We'll be right back.
पर ही कपि देवा सर्व प्रिया सुखदा जनहित हे श्री राम का जस बारे सखा काय के पग संलांघे समुद्र को धर्कश नहीं आवश्यक तुमको धैर्य है कीर्त समक्ष तुम्हारे सूर्य दिखे लड्डू सम न्यारे धैर्य शौर्य तपो गुण वाले शरण में ले लो साधुता जन दुर्मुख मर्दन राम भक्ति रस पूर्ण मता बाल वृंदन पूजे तुमको बाल मिश्र हे भगवंता भक्त कल्प करु भागवतोत्तम दूर करो भय हनुमंता जय जय बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय बजरंगी दिखलाना सदा सदा ही दया वरद हस्त हो सिर मेरे रखो सदा ही कृपा जय कवि सती हूँ लोक उजागर सफल कार्य करो देव दया कर विमल भक्ति संपूर्ण सुधा कर राम काज निर्वाह धुरंधर भूत प्रेत पिशाच न आते महावीर जब नाम सुनाते दानव दैत्य निकट नहीं आते जब हनुमान जी कृपा लुटाते राम राम शुभ नाम निरंतर पाही पाही हे पवन सुते भक्त कल्प तरु राम भूत प्रभु करुणा कर दो दातियुते पवन पुत्र हनुमान विमल यश भुवन गात्र हनुमान गगन गत भुकुट शीर्ष हनुमान युग विजित ब्रह्म सूत्र हनुमान जय जय बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय 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 बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय अति उत्तम। तुम्हारी धनुर्विद्या के कौशल की मैं प्रशंसा करता हूँ। आप हमसे बड़े हैं, इन बाणों द्वारा हमने आपका मात्र आदर किया है। मैं जिस कार्य के लिए आया था तुम्हें देखकर कुछ क्षण के लिए भूल गया। कुछ आश्रम के बालकों ने हमारे अश्वमेध यज्ञ के अश्व को बंदी बनाया है, क्या तुम हमें उन्हें दिखा सकते हो? वो बालक आपके सम्मुख खड़े हैं। तुम दोनों हो पुत्रो, क्या तुम नहीं जानते जो कार्य तुमने किया है वो दंडनीय है? आप हमारे पिता नहीं, इसलिए हमें पुत्र कहकर संबोधित मत कीजिए। मैंने कुछ अनुचित नहीं कहा। एक राजा के लिए उसकी समस्त प्रजा पुत्र के ही समान होती है। हमारी तुलना अपनी निर्दयी प्रजा से ना करें तो अच्छा होगा। तुमने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मुझे क्रोध नहीं तुम पर प्यार आया है। अपनी पत्नी को जो प्यार नहीं दे सके उन्हें हम पर प्यार आ रहा है सुनकर आश्चर्य हुआ।
क्या अभी आपके भीतर प्यार की भावना बची है? अपनी उम्र से बढ़कर धर्म पक्ष की बात करते हो, ये बताओ क्या तुम वास्तव में ऋषि पुत्र हो? कहीं भयभीत तो नहीं हो रहे हैं आप? हम सत्य ही ऋषि पुत्र हैं। यदि यही सत्य है तो इस अश्व को क्यों पकड़ा तुमने? यज्ञ के इस अश्व को भेजकर आपने स्वयं को वीर माता का पुत्र घोषित किया है। धर्म रक्षा हेतु इसे बंदी बनाकर हम भी अपने आप को वीराधि वीर माता के पुत्र घोषित करना चाहते हैं। तुम्हें युद्ध करने की उन्मत्तता तथा राम को परास्त करने की इच्छा है तो यही सही। ध्वनि तो श्री राम के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की है, अवश्य वो यही कहीं है। राम की प्रत्यंचा की गूंज, इसका अर्थ है युद्ध की घोषणा। किंतु ये हमारे आश्रम में क्यों सुनाई दी? क्या हो रहा है यहाँ? संसार ये सोचता है कि तुम श्री राम के नाम के आगे नतमस्तक हो, किंतु तुम अपनी प्रशंसा सुनकर यहाँ आने का अपना उद्देश्य ही भूल गए। जय श्री राम। युगों युगों से धर्म की रक्षा तथा अधर्म का नाश करने वाला यह नारायणास्त्र नामक राम बाण अब मैं प्रयोग करूंगा। इससे बचना संभव है बालको? संभव है श्री राम, हमारा ये पंचभूत बाण किसी भी शक्ति को निरस्त कर सकता है। अब पंचभूत से बनाए ब्रह्मास्त्र बाण निर्णय करेगा कि राम नाम तथा राम बाण में कितनी शक्ति है। जय श्री राम। लवकुश, मेरी सलाह मानो और श्री राम के समक्ष समर्पण कर दो। तुम नहीं जानते कि राम बाण का परिणाम क्या हो सकता है। हमने राम बाण की प्रशंसा बहुत सुन रखी है, अब हम प्रत्यक्ष इनकी प्रचंडता देखना चाहते हैं। हट जाइए। इन बालकों को युद्ध का अनुमाद है, सामने से हट जाओ हनुमान। सीते, माते, माते, वर्षों पश्चात आपके दर्शन पाकर मैं पावन हो गया। क्या क्या? सीता हमारी माता है? ये सत्य है मेरे पुत्रों। आर्य, लवकुश आपके ही पुत्र हैं, पराक्रमी, साहसी, वीर योद्धा, रघुवंशियों की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। अपने पिताश्री से क्षमा मांगो लवकुश। हमें क्षमा कीजिए पिताश्री। तुमने क्षमा योग्य कोई कार्य नहीं किया है। पुत्रों, तुम दोनों ने अपने आप को अपने पिताश्री से भी बढ़कर योद्धा सिद्ध किया है, मुझे तुम पर गर्व है। आर्य, आज मैंने भूदेवी की पुत्री तथा रघुवंश की कुलवधू होने का उत्तरदायित्व पूर्ण किया, मैं धन्य हो गई। माँ भूदेवी, मैंने एक माँ होने का उत्तरदायित्व निष्ठापूर्वक निभाया है, अब मुझे अपनी गोद में संभालो माँ।
पुत्री सीते। प्रणाम माते। सीते। माते। माते। सीते। माते। लवकुश। माते। महर्षि, आपने जो पिता तुल्य प्रेम मुझ पर बरसाया है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मुझे आज्ञा दीजिए। सीते, माते, माते, सीते, 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 अपने आदर्श से सर्व सार्विक पर राज्य करने वाले राजा को इस तरह भावुक नहीं होना चाहिए। शांत हो जाओ राम, शांत हो जाओ। Shakti Mata Sreshtha
हरि ओम वनमाली गति शामी।